के परमाणु बम की ताकत पर पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर चुटकी ली है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के परमाणु बम की देखरेख करने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। किदवई ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु बम पूरी तरह से तैयार है। नो फर्स्ट यूज नीति का मतलब है कि किसी देश के परमाणु बम प्रतिरोध के लिए है, ना कि परमाणु युद्ध के लिए। भारत नो फर्स्ट यूज का पालन करता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला भी कर सकता है। तो भारत को पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, पाकिस्तान ने दी परमाणु बम की धमकी। पाकिस्तान के एटम बम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। पाकिस्तानी सेना के पास पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता है। तो मणिशंकर अय्यर की तरफ से पाकिस्तान के बॉम्ब को लेकर जो बयान दिया गया था, परमाणु बॉम्ब को लेकर, उस पर लगातार बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चुटकी लेते हुए नजर आए। लेकिन अब इस मामले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, पाकिस्तान ने दी परमाणु बॉम्ब की धमकी। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब बिल्कुल तैयार हैं, हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। पाकिस्तानी सेना के पास पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता है। भारत को पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान इस बयान को लेकर कैसे बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने दी परमाणु बॉम्ब की धमकी। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब बिल्कुल तैयार हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है, क्योंकि भारत नो फर्स्ट यूज की नीति को मानता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब बिल्कुल तैयार हैं, हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है, ये पाकिस्तान ने कहा है। अजय जानियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जो बयान पाकिस्तान की तरफ से आया है और ये कहा है कि परमाणु, पाकिस्तान ने कहा है कि परमाणु बम की धमकी जो दी है और कहा है कि हमारी नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है, ऐसी कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं है, हालांकि भारत इस पॉलिसी को मानता है, ये साफ तौर पर बौखलाहट है पाकिस्तान की। खुरापाती रहा है शुरू से लेकर ही, और खासतौर पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में जो पाकिस्तान ने के पीओके में हालात बनाए हैं, उसके लिए पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना तो जिम्मेदार है ही, मगर उसके साथ साथ चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ लगातार मदद दे रहा है। और इसी वजह से आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल में एक तरफ पाकिस्तान जब पीओके में सीपैक का निर्माण कर रहा था, उसके साथ साथ पाकिस्तानी सेना को पूरी तरीके से मदद देकर वहां पर बॉर्डर पर जो है पाकिस्तानी सेना को जो है वो मजबूत कर रहा था। मगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें और उसके साथ साथ ये कहना कि हमारी जो है नो फर्स्ट यूज की नीति जो है वो है, ये कहाँ तक है, ये भारत की नीति है, पाकिस्तान की नहीं। अगर आप देखें तो इतने सालों में पाकिस्तान ने कितनी बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने की कोशिश हो, या कारगिल युद्ध की बात की जाए, उससे पहले आप देखें तो 61 या 65 के युद्ध की बात की जाए, तो ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। मगर भारत जो है हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार रहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अजय, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ये कहता हुआ दिख रहा है कि हमारी नो फर्स्ट यूज की कोई पॉलिसी नहीं है, ये तो माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की शांति व्यवस्था बनाए ना रखने में पाकिस्तान जाना जाता है, क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर जब भी कोई वारदात हुई है पाकिस्तान पर ही आरोप लगे हैं, और बाद में जब जांच हुई है तो पाकिस्तान का हाथ कहीं ना कहीं निकला है, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करिए। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, अब जहाँ पर हम महंगाई देख रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो बयानबाजी हुई, जब हमने देखा ईरान की तरफ से भी बयानबाजी जो हुई है, पाकिस्तान जब कश्मीर को लेकर मुद्दा छेड़ता हुआ नजर आया, तो जो इस्लामिक देश है वो भी पाकिस्तान का साथ देते हुए नहीं नजर आए, तो ये बयानबाजी, इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, जब हम पीओके में देख रहे हैं अपनी ही सरकार को लेकर नाराजगी पीओके के लोगों को लेकर है,
अब जहां पर अगर पीओके के लोग वहां के हुक्मरानों को लेकर बयानबाजी करते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, खाने पीने के लोग मोहताज वहां पर हो रहे हैं, और ऐसे वक्त में ये बयानबाजी किस हद तक ठीक है? देखिए, पाकिस्तान इस तरह की कोशिशें हमेशा से करता रहता है स्टेटमेंट्स देकर कि कहीं ना कहीं वो ये कहे कि जिससे भारत को दबाने की कोशिश हो या भारत को ये गिदड़ बबकी की बात करूंगा, इस तरह की वो गिदड़ बबकियां देता है। मगर वो ये सब अगर करता है तो पाकिस्तान का अपना मादा ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ऐसा कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार भारत से मुंह की खाई है। इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं चीन है, जो चीन लगातार अपने आप को विश्व गुरु बनाने की प्रयास कर रहा है। मगर चीन ये नहीं जानता कि जिस तरीके से चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में अनरेस्ट के लिए प्लान कर रहा है, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। क्योंकि अगर आप देखें तो LAC पर भारत के साथ जो विवाद था, उसके बाद चीन बेशक कई बैठकों में ये कह चुका है कि हम शांति बहाली पर काम कर रहे हैं, मगर अंदरखाने से जो खबरें हैं, चीन लगातार LAC की दूसरी तरफ अपनी मजबूती बनाने की प्रयास कर रहा है। और उसी तरीके से उसका एक प्रयास है, जो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रयास है कि POK में भी पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पर भी उनको मजबूत किया जाए। इसीलिए कम्युनिकेशन डिवाइसेज हो, वेपनरी हो, और तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को वो मुहैया करवा रहा है। और इसके पीछे पाकिस्तान ये जो कह रहा है हम परमाणु इस्तेमाल करने में नो फर्स्ट यूज़ वाली हमारी कोई ऐसी नीति नहीं है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन है। मगर भारत भी साफ कर चुका है कि अगर भारत नो फर्स्ट यूज़ की नीति अपनाता है, मगर भारत को अगर दिखता है कि वहाँ कहीं भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान हो, चीन हो, या कहीं भी दुश्मन को जवाब देना है जो भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, तो इस बात को हम बार बार हम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मुंहतोड़ जवाब देने में भारत सक्षम है। लेकिन एक सवाल उन नेताओं पर भी है जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान को लेकर ये बयानबाजी कर रहे हैं कि उनके पास एटम बॉम्ब है, उनके पास उनसे हमें बात करने की जरूरत है, डरने की जरूरत है, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, एक सवाल उन नेताओं पर भी है कहीं ना कहीं। अजय, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और भारत में आतंकी गतिविधियां चलाई हैं, उसके बावजूद भी ऐसे कई नेता हैं देश में, जम्मू कश्मीर में, जो रहते खाते यहाँ का है मगर गुणगान वहाँ का करते हैं। तो ऐसे में वो नेता जो हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, और यही वजह है, आप देखें तो जो कई इन्वेस्टिगेशंस पीछे हुई हैं, और अगर आप उन इन्वेस्टिगेशंस को देखें तो ऐसे कई लोग जो सफ़ेदपोश जो भारत में रहते थे और मगर पाकिस्तान के साथ मिलकर जो हैं वो वहाँ के जो पाकिस्तान का एजेंडा है उसको यहाँ चलाते थे अनरेस्ट के लिए, वो लोग जिम्मेदार पाए गए हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, मगर उन नेताओं को ये समझ जाना चाहिए कि अब कोई भी ऐसा प्रयास अगर वो करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रडार में जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाता। जम्मू कश्मीर के ही एक आपको बताऊँ, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता बड़े थे, उनको भी इसी तरह से हवाला मनी के मामले में जो है वो पाया गया, और उसके बाद उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, और अभी वो पिछले कई महीनों से जो है वो जेल में हैं। तो ऐसे लोगों को बख्शने की कोई प्लानिंग सरकार की या फिर सवाल यही है उन नेताओं पर भी कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो रहते तो भारत में हैं लेकिन गुणगान वो पाकिस्तान का करते हैं। अजय, आप हमारे साथ रहिए।